मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे अबाउट डिस्कस संस्कृत, कक्षा अष्टम, व्याकरण खंड आत्मनेपदानि। टुडे डिस्कस आत्मनेपदानि कि आत्मने जो पदानि होते हैं, लकारों को लेकर इनके निर्माण किए गए हैं। जैसे संस्कृत में बताए गए हैं 10 लकार होते हैं। जब हम पांच ही लकारों को संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं, जैसे लट लकार हो गया, लोट लकार, लंग लकार और लिट लकार, विधि लिंग लकार, ये जो पांच लकार होते हैं, मैं इन पांच लकारों को हम संस्कृत व्याकरण में अध्ययन करते हैं। हिंदी की बात करते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। जैसे इंग्लिश में बताया गया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी प्रकार आत्मनेपदी में हम लकारों के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं कुछ वीडियोस आप लोगों को सेंड किया कि आत्मनेपदे के बारे में कुछ लकार्स बताए थे, परिसमय पदानी के बारे में कुछ लकार्स के बारे में बताया कि एक वचन क्या होते हैं, द्विवचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं, इस और विभक्ति के बारे में भी क्या किया था, चर्चा किया था, कुछ पुरुष के बारे में भी क्या किया। तो जब भी आप वीडियोस देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहां आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, पुनः मैं उस लकार को, उस पदानी को पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आत्मने जो पदी होती है, सेव शब्द को लेकर चलाया गया है फर्स्ट। इससे पहले परिसमय पदानी में सभी चीज़ को मैं बारे में बता चुका हूँ। सेव जो शब्द होते हैं, सेवा करना, लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस की बात की गई है, लट लकार की बात की गई है। तो वचन्स क्या होते हैं, एक वचन्स, द्विवचन और बहुवचन की बात की गई है। सबसे पहले एक वचन्स की बात करते हैं। जहाँ एक ही वस्तु का बोध होता हो वह क्या कहलाती है, एक वचन्स कहलाती है। द्विवचन्स जो होते हैं, जहाँ दो वस्तु का बोध होता हो या फिर द्विवस्तु का बोध होता हो वह द्विवचन्स कहलाते हैं। बहुवचन्स जो होते हैं, जहाँ दो से अधिक वस्तु का बोध होता हो या फिर अधिक वस्तु का बोध होता हो वहाँ बहुवचन्स कहलाते हैं। एक वचन्स के बारे में बताया कि एक वचन्स क्या होती हैं, द्विवचन्स क्या होती हैं और बहुवचन्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष के बारे में, बात करते हैं कि प्रथम पुरुष होती क्या हैं, द्वितीय पुरुष क्या होती हैं और उत्तम पुरुष क्या होती हैं। प्रथम जो पुरुष होते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाती है। जो दूर के वस्तुओं के लिए होती है, दूर के वस्तुओं के लिए होती है प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होते हैं, पुरुष क्या होती हैं, कहने वाला स्वयं के लिए होती है, कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। पुरुष जो होते हैं, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, बात किया। अब बात करते हैं एक वचन में पुरुष को कैसे चलाया गया है कि सेवती, प्रथम पुरुष की बात की गई है, सेवती प्रथम पुरुष, देख सकते हैं प्रथम पुरुष, सेवती, सेवती, सेवंती, तीनों वचन में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रथम पुरुष में इनके जो मूल धातु लगे हुए हैं, ते का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी ते का प्रयोग हुआ है, यहाँ अंते का प्रयोग हुआ है। तो इनके जो फॉर्मूलेस होते हैं, सूत्र जो होते हैं, आप याद रखिएगा, लट लकार वर्तमान काल के जो फॉर्मूलेस होते हैं, एक वचन ते, ते, अंते। मध्यम पुरुष की बात की गई है, सेवसी, सी, थी और वी। तो इस प्रकार उनके जो फॉर्मूलेस होते हैं, सेवसी, सेवथी और सेवंध्वी।
तो याद रखिएगा इनके फॉर्मूलेस कुछ कुछ मैं जो मूल धातु के रूप में बता रहा हूँ, ये जो सेव धातुएं हैं या धातु कहलाते हैं, इनके जो मूल धातु होते हैं उनकी जो मात्राएं लगे हुए हैं, उनमें जो फॉर्मूलेस लगे हुए हैं वह मूल धातु होते हैं। उत्तम पुरुष की बात की गई है, सेवी सेवा हवि सेवा वहि सेवा महि वी ही महि, ये जो होते हैं उनके मूल धातु के रूप में बताया गया है। धातु कहलाते हैं। तो उसी प्रकार सेव शब्द में ते का प्रयोग हुआ है, सेव शब्द में अंते का प्रयोग हुआ है, सेव शब्द में से का प्रयोग हुआ है और सेव शब्द में थे का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार मैंने आत्मनेपदी को बताया कि सेव जो शब्द होते हैं उन्हें लट लकार वर्तमान काल में कैसे चलाए जाते हैं। इनके जो फॉर्मूले से उनको याद रखिएगा, कहाँ ते का प्रयोग हो रहा है, कहाँ ते का प्रयोग हो रहा है, कहाँ अंते का प्रयोग हो रहा है, इसको याद रखिएगा, नोट्स बनाकर याद कीजिए। अब बात करते हैं लोट लकार आज्ञार्थक का। लोट लकार आज्ञार्थक काल की बात की गई है। लोट लकार आज्ञार्थक काल क्या होती है, जो आज्ञा किसी चीज़ की आज्ञा प्रदान की जाती है वहाँ लोट लकार का प्रयोग होता है। तो एक वचंस के बारे में मैंने बताया कि एक वचंस क्या होती हैं, द्विवचंस क्या होती हैं और बहुवचंस क्या होती हैं। एक वचंस जो होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ये सब एक वचंस में हैं, ये द्विवचंस में हैं और ये बहुवचन शब्द में प्रयोग हुए हैं। उसी प्रकार जो प्रथम पुरुष होती हैं, सेवताम, ये एक वचन का प्रयोग हुआ है। सेवेताम, यहाँ पर दो वचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जब वाक्यों को आप पढ़ेंगे, शब्द को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अंतर दिखने लगेगा। और सेवेन्ताम सेवन्ताम, यहाँ पर दो से अधिक वस्तु का बोध हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सेवन्ताम का प्रयोग हुआ है, सेवन्ताम। मध्यम पुरुष की बात की गई है, सेवस्य सेवेथाम और सेविध्वम, कुछ अलग अलग फॉर्मूलेस लगे हुए हैं, कुछ अलग अलग शब्द भी लगे हुए हैं। प्रथम पुरुष में लगा हुआ है आम शब्द का प्रयोग हुआ है, आम शब्द देख सकते हैं, आम शब्द देख सकते हैं और लोट लकार अज्ञार्थक काल में। उसी प्रकार उत्तम पुरुष की बात करेंगे, सेव से वह और सेवा महे, यहाँ पर वह का प्रयोग, वह का प्रयोग, यहाँ पर वह का प्रयोग, अम्मा महवी वही और सेवी, अलग अलग वचनों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है, पुरुष के अनुसार अलग अलग शब्दों को चलाया गया है। तो कुछ पुरुष को याद रखिएगा कि पुरुष जो होते हैं, सुनने वाला हमेशा मध्यम पुरुष कहलाता है, कहने वाला हमेशा उत्तम पुरुष कहलाता है और जिसके बारे में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष कहलाते हैं। बार बार इस शब्द को मैं रीजन्स के रूप में बता रहा हूँ क्योंकि आपको इनको याद रखना बहुत ही अति आवश्यक है। मैंने आपको लोट लकार के बारे में बताया, लेट लकार के बारे में बताया कि यहाँ पर जो शब्द लग रहे हैं, धातु लग रहे हैं, यहाँ पर तम धातु का प्रयोग हुआ है। तम धातु को लगाइएगा यहाँ पर, तम धातु को लगाइएगा यहाँ, तम धातु को लगाइएगा, अवश्य धातु, थाम धातु, ध्वम धातु, उसी प्रकार वी धातु, हवी धातु और महे धातु का प्रयोग किया गया है। अब पेज नंबर आइएगा, पेज नंबर 98 में देखिएगा लंग लकार का प्रयोग कैसे हुए हैं। लंग लकार के बारे में हम बात करेंगे, भूतकाल के बारे में बात करते हैं। लंग लकार देखिएगा, लंग लकार दिए हुए हैं, भूतकाल के बारे में बात की गई है कि लंग लकार होती क्या है, प्रथम पुरुष होते क्या हैं, प्रथम पुरुष के बारे में बात की गई है। लंग लकार भूतकाल जो वचन दिए हुए हैं और बहुवचन दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष की बात की जा रही है कि प्रथम जो पुरुष होते हैं एक ही वस्तु का अगर बोध कराएगा वहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा। द्विवचन जो होते हैं, प्रथम पुरुष में द्विवचन जो होते हैं दो वस्तु का बोध कराने वाले को द्विवचन कहलाते हैं।
और जिस वस्तु के लिए या फिर जिस चीज़ के लिए दो से अधिक वस्तु का बोध कराया जाए या फिर दो से अधिक वस्तु का बोध कराया जाए या फिर बहुत सारे संख्याओं का बोध कराया जाए वहाँ पर बहुवचन कहलाते हैं। तो प्रथम पुरुष की बात की गई है, असेवित अवेसेवताम असेविंत, त का प्रयोग हुआ है, ताम का प्रयोग हुआ है और अंत का प्रयोग हुआ है। फॉर्मूलेस क्या लगाए गए हैं, प्रथम पुरुष में फॉर्मूलेस लगाए गए हैं त का, अम का और अंत का। तो इस फॉर्मूलेस को याद रखिएगा, एक वचंस द्विवचंस और बहुवचंस के बारे में बात की गई है। मध्यम जो पुरुष होते हैं, असिविथाहा असिविथाम असिविध्वम, लंगलकार भूतकाल की बात की गई है। जब भी कोई धातु सेव धातु, मेव धातु, नेव धातु, लट धातु, मर धातु, जल धातु, नल धातु, जो कोई भी धातु लगता हो, जो कोई भी धातु का प्रयोग होता हो, वहाँ सबसे पहले उसके उस धातु के सबसे पहले अ का प्रयोग होता है। भूतकाल में याद रखिएगा, लंग लकार की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सेव धातु का प्रयोग हुआ है, उससे पहले अ का प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं सभी में अ का प्रयोग पहले किया गया है, सभी शब्द में अ का प्रयोग। पहले अ शब्द का प्रयोग आपको करना रहेगा, तो अ शब्द को लगाइएगा। उत्तम पुरुष की बात करते हैं, असेवी असेवा वही है असेवा मही है। तो इस प्रकार लंग लकार भूतकाल की बात की गई है। सभी शब्द में अलग अलग वचनों में अलग अलग धातु का प्रयोग किया गया है, बट आप याद रखिएगा जब भी धातु के लंग लकार की बात की जाएगी, धातु के पहले में अ शब्द का प्रयोग करना रहेगा। नीचे देखिएगा, विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में बताया गया है। जो विधि लिंग लकार होते हैं, चाहिए का अर्थ प्रयोग किए जाते हैं। जब भी आप चाहिए का अर्थ का प्रयोग होगा, विधि लिंग लकार का प्रयोग आप करेंगे। जो विधि लिंग लकार होते हैं, एक वचन में बताए गए हैं। प्रथम पुरुष क्या होते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रथम पुरुष कहलाती है। सुनने वाला हमेशा मध्यम पुरुष कहलाते हैं और जो कहने वाला हमेशा उत्तम पुरुष कहलाते हैं। प्रथम पुरुष में दूर के वस्तुओं के लिए होती है, संबंधित होती है। मध्यम जो पुरुष होते हैं और उत्तम जो पुरुष होते हैं, वह समीप के लिए होती हैं। उत्तम जो पुरुष होती हैं वह हमेशा सॉरी मध्यम जो पुरुष होते हैं वह समीप के लिए होती हैं और उत्तम जो पुरुष होती हैं वह स्वयं के लिए होती हैं, मैं के लिए प्रयोग होता है। तो एक वचन की बात करते हैं, प्रथम पुरुष सेवित सेविया ताम और सेविरन, मध्यम पुरुष सेविथाहा सेविया थाम सेविंध्यम, सेवी सेवईह सेवी मईह। इस प्रकार अलग अलग पुरुषों में अलग अलग वचनों का प्रयोग हुआ है। देखिए सेवित सेवियाताम, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक वस्तु का प्रयोग हो रहा है, दो वस्तु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए सेवियाताम हो गया है। अम शब्द का प्रयोग हुआ है, रन शब्द का प्रयोग हुआ है, था शब्द का प्रयोग, थम शब्द का प्रयोग, म शब्द का प्रयोग, इस प्रकार एक मूल धातु का निर्माण किया गया है। देखिएगा कि जो मूल धातु हैं सेव, इनके धातु शब्द हैं, हम सेव शब्द को चलाकर लिख रहे हैं कि सेव धातु में अगर पहले अ शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह लंग लकार में चला जाएगा। सेव जो शब्द है, सेव शब्द को चलाकर बनाया गया है कि सेव शब्द को चलाया गया है, यहाँ पर सेवित शब्द का प्रयोग हुआ है, मूल धातु अम रन था अम थम वम या ही मी या फिर मही, ये जो शब्द हैं मूल धातु हैं, यहाँ पर प्लस धातु प्लस इन यहाँ पर लगने वाले हमेशा क्या कहलाते हैं, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जिनको आप लोग को याद रखना है, उन्हें मूल धातु के रूप में रखा जाता है।
तो मैंने आपको बीते लिंग लकार के बारे में बताया कौन कौन से फॉर्मूले से हैं। अब बात करते हैं लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार भविष्यत काल के बारे में बात की गई है कि लिट लकार भविष्यत काल होती क्या है, जो कि हमारे फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल की बात की गई है। प्रथम पुरुष जो होते हैं सेविष्यति, एक वचन का प्रयोग हो रहा है, सेविष्यति द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, और सेविष्यन्ति वचन में सेवियेत, और बहुवचन में सेविष्यन्ति। तीनों पुरुष में तीनों वचनों को अलग चलाकर लिखा गया है। ते शब्द का प्रयोग हुआ है, ते शब्द का प्रयोग हुआ है, और अन्ते शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? अन्ते शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि मूल धातु के रूप में है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष की बात करेंगे। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाएगी है मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष जो मध्यम पुरुष होते हैं सेविष्यसि, सेविष्यसि, सेविष्यथे, सेविष्यध्वे, अलग अलग वचनों में अलग अलग शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिएगा कि तीनों वचनों में समान वर्ड नहीं है, अलग अलग वर्ड हैं। यहाँ पर से शब्द का प्रयोग, यहाँ थे शब्द का प्रयोग, यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग। उत्तम पुरुष कहने वाले जो होते हैं स्वयं के लिए वृतांत होती हैं सेविष्य, सेविष्या वहे, सेविष्या महे, महे का प्रयोग, अभी का प्रयोग, और ये का प्रयोग। अलग अलग धातुओं का प्रयोग हुआ है। देखिएगा अलग अलग धातु का प्रयोग कैसे किए गए हैं, याद रखिएगा, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप उसको स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये जो धातु होते हैं लकार जो होते हैं थोड़ी कठिनाई होती है याद करने में। आप नोट्स बनाकर दो बार तीन बार लिखिएगा रफ कॉपी के रूप में, आप लोग को अच्छे से स्टडी हो जाएगी, अच्छे याद हो जाएगी। मुद जो एक शब्द, नया शब्द लिया गया है, सेव शब्द को हमने पढ़कर आया। अब मुद जो शब्द है लट लकार वर्तमान काल में भी इस मुद शब्द को चलाया गया है, जैसे मोदते, मोदते, मोदंती, मुझसे, मोदते, मोदत्वी, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। तो इस प्रकार आप उनको चला कर लिखिएगा। जैसे प्रथम पुरुष में चलाया गया है एक वचन में मोदते, मोदते, मोदंती, मुझसे, मोदते, मोदत्वी, मोदे, मोदावहे, और मोदामहे। तो इस प्रकार आप अच्छे से स्टडी कीजिए, कुछ शब्दों को लिखिएगा अपने कॉपी में और उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार आज्ञार्थक काल को चलाया गया है। आज्ञार्थक काल जो मैंने सेव शब्दों को चलाकर बताया, आज्ञार्थक काल जो होते हैं एक वचन में सेवताम बताया गया, तो यहाँ पर मोयताम लिखा हुआ है, सेवताम की जगह में मोदताम, मोदिताम तो सेवताम, और सेवंतिम लिखा हुआ है तो वहाँ पर मोदंताम। देख सकते हैं विधि लिंग लोट लकार आज्ञार्थक काल सेवंताम, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेवंताम, सेवंताम होगा, सेव शब्द को चलाकर बताया गया है। उसी प्रकार सेवताम, उसी प्रकार सेवताम, मैं तीनों शब्द को चलाकर बताया कि सेव शब्द को पहले चलाकर बताया था। अब लोट लकार आज्ञार्थक काल में मोद जो शब्द हैं, मोद जो शब्द हैं, मुद, मुद जो शब्द है प्रसन्न होना, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, उस शब्द को चलाया गया है। तो आप लोग आज्ञार्थक काल को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मोदस्व, मोदिथाम, मोदध्वम, मोदय, मोदावहे, मोदामहे। प्रथम पुरुष जो होते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, मध्यम पुरुष होती हैं सुनने वाला, और उत्तम पुरुष होता है कहने वाला। मोदय, मोदावहे, मोदामहे, मोदस्व, मोदथाम, मोदध्वम, मोदताम, मोदिताम, मोदांताम। तो इस प्रकार लंग लकार लोट लकार आज्ञार्थक काल की बात की गई है। उसी प्रकार लंग लकार भूतकाल की भी बात की गई है। जिस शब्द में लंग लकार का प्रयोग होता हो या फिर भूतकाल का प्रयोग होता हो, वहाँ हमेशा जिस शब्द का प्रयोग होता हो उसके पहले अ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर मो
शब्द के पहले अशब्द का प्रयोग हुआ है, मो शब्द के पहले अशब्द का प्रयोग, मोदे शब्द के पहले अशब्द का प्रयोग, सभी शब्द के प्रिय में अशब्द का प्रयोग पहले हुआ है। आप देख सकते हैं अशब्द को, है ना। जब भी कोई न्यू शब्द आपको मिलेगी, लंग लकार भूतकाल की बात की जाएगी, तो अशब्द को आप लोग प्रत्येक जो शब्द रहेंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय जो पुरुष रहेंगे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों में अशब्द को पहले चलाकर लिखेंगे। अब बात करते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार जो है, विधि लिंग लकार की बात करते हैं कि विधि लिंग लकार जो दिए हुए हैं कहाँ से तात्पर्य किए गए हैं। देखिएगा, विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में, विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में भी बताया गया है कि विधि जो लिंग लकार हैं, एक वचन जो होते हैं, एक ही वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। द्विवचन जो होते हैं, जो दो वस्तु का बोध कराया जाता है, या जहाँ दो वस्तु का बोध कराए जाते हैं वहाँ द्विवचन कहलाते हैं। और जो बहुवचन जो होते हैं, जहाँ पर दो से अधिक वस्तु का बोध कराया जाता है वहाँ बहुवचन होते हैं। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और उत्तम पुरुष कहने वाला। उत्तम जो पुरुष होते हैं वह स्वयं के लिए होती हैं, मैं के लिए होती हैं। मध्यम जो पुरुष होते हैं वह समीप के लिए होती हैं, समीप के लिए होती हैं। और प्रथम जो पुरुष होते हैं वह दूर के लिए होती हैं। तो ये तीनों चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि समीप के लिए कौन से लिट लकार भविष्यत काल जो होते हैं, एक वचन बहुवचन और द्विवचन में बताए गए हैं, मोदिष्यति मोदिष्यति मोदिष्यन्ते, मोदिष्यसे मोदिष्यथे मोदिष्यत्वे, मोदिष्ये मोदिष्यवावहे मोदिष्यामहे। इस प्रकार तीनों वचनों को चलाया गया है। कुछ सेव शब्द के एक धातु के समान चलने वाले कुछ प्रमुख आत्मनेपदी धातु हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो सेव शब्द को हम लोग चलाकर बताया कि सेव शब्द होती क्या है। सेव शब्द के समान रूप में चलने वाले कुछ आत्मनेपदी धातु हैं। लभ मतलब होता है पाना, लट लकार में लभते, लोट लकार में लभंताम, और लंग लकार में अलभत। लंग लकार की बात की गई है, देखिए लंग लकार में हमेशा अशब्द का प्रयोग पहले होता है। लिंग लकार लभति, और लिट लकार होता है लपिष्यति। लिट लकार किसको बोला गया है, भविष्यत काल की बात की जा रही है। लिंग लकार की बात की जाएगी, वह विधि लिंग लकार की बात की जाती है। यह भविष्यत काल, यह लिंग लकार विधि लिंग लकार। लंग लकार जो होते हैं वह भूतकाल के लिए होती है, और लिट लकार जो होती है वह वर्तमान काल के लिए होती है, और जो लोट लकार होते हैं वह होती हैं आज्ञार्थक काल के लिए होते हैं। तो ये जो शब्द दिए हुए हैं, सभी शब्द समान वर्ण के दिए हुए हैं। तो समान वर्णों को आप याद रखिए, जैसे लभ मतलब होता है पाना, याच का अर्थ होता है मांगना, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना, वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ना, भास का अर्थ होता है बोलना, रुच का अर्थ होता है शोभा देना। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ शब्दों को मिलाकर बताया गया है कि कैसे कैसे शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कारवाणी, नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कारकाणी उपपदानी च, कारकाणी उपपदानी च को आप लोग स्टडी करके आइएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम कारकाणी पदानी की बात करेंगे, और कुछ पाठों के बारे में भी क्या करेंगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, बाय बेटा।